Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing green skill. In my previous video, I have discussed with you about the environment and the environment protection method. Okay, beta? In that, I discussed and I explained about the environment, types of environment, biotic environment and abiotic environment, as well as ecosystem, okay, ecological imbalance, the causes of ecological imbalance, and many more things. Now we are going to understand the green economy in our today's video. Okay, so let's get started. If you talk about green economy, so beta, it is the we are going to talking about this sustainable development. Now sustainable development का मतलब यहाँ पर बेटा क्या है? जब हम development की बात करते हैं किसी country की, तो development में सिर्फ खाली हम economically development की बात ना करें, हम अपने environment के भी development की बात करें. Means कैसे हम अपने resources जो हमारे पास available हैं, उनको conserve करने के साथ साथ अपने development करें. Means हम society से जो भी हम दे सकते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रेश एयर, चाहे वो क्लीन वाटर, राइट, चाहे हमारा हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट, जो भी हम दे सकते हैं, इंक्लूडिंग द ग्रीन इकोनॉमी. ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को साथ साथ लेके चलें अपने डेवलपमेंट के साथ. ठीक है, और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जब आप अपने सराउंडिंग जो भी नेचुरल है, नेचर है, उसको भी साथ में लेके चले, उसको भी कंजर्व करें. ठीक है, उसका भी ध्यान रखें उतना जितनी आप अपने इकोनॉमी का ध्यान रखते हैं, तो ग्रोथ ऑफ अ सिस्टम और ग्रोथ और सिटी और ग्रोथ ऑफ कंट्री, राइट बेटा. सो लेट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा क्या आएगा, कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो. क्लीन ट्रांसपोर्टर का मतलब हम ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करें या बनाएं जिससे हमें हमारे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो. मोर इफिशियंट एंड क्लीनर एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि आज की डेट में हम बल्ब की जगह हम यहाँ क्या यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं, जो कि हमारे हमसे कम बिजली कंज्यूम करता है. और जब हमसे कम बिजली कंज्यूम करेगा तो हमको भी कम प्रोडक्टिविटी करनी होगी और कम कोयला यूज करना पड़ेगा, कम कोल को जलाना पड़ेगा, जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी. तो बेटर वाटर यूजेस एंड मैनेजमेंट. बेटर वाटर यूजेस का मतलब हमको एक यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हम कैसे पानी को सुरक्षित करें, संचित करें. ठीक है, कैसे हम बचाएं, से हाउ वी कैन सेव द वाटर, राइट, जो पानी पीने के युक्त हमारे पास है, वो कैसे उसको सेव करें. ठीक है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट हम लगा सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं, अननेसेसरी वाटर को वेस्ट ना किया जाए. ठीक है, नदियों में जो भी चीजें हैं उसको अननेसेसरी जो डंप करते हैं चीजों को, वेस्ट जो हम डंप करते हैं वो ना किया जाए. ठीक है, इस तरह की चीजें हैं. ग्रीनरी बिल्डिंग, हम मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हम जब भी बिल्डिंग बनाए तो वहां उसको भी ध्यान में रखें कि वो ग्रीन जोन में ना हो ज्यादा. ठीक है, यानी कि वो जंगलों में ना हो, वो ऐसे एरिया में हो जहां पर एक्चुअल में जो हमारे जीव जंतु जहां पे हो वहां पे ना यूज किया जाए या वहां पे ना बनाया जाए. और बिल्डिंग के अंदर भी इतना इस चीजों का ध्यान रखें कि कैसे हम इसको ग्रीन बिल्डिंग बना सके. ग्रीन बिल्डिंग का मतलब पेड़ पौधों के साथ उस बिल्डिंग को निर्माण किया जाए. ठीक है, ग्रीन क्लीन एंड इफिशियंट वेस्ट मैनेजमेंट, और जो भी हमारा वेस्ट हो, जैसे कि हम हमारे घरों से निकलने वाला वो जब सारे कचरे, ठीक है, चाहे वो गीला कचरा हो चाहे वो सूखा कचरा हो, उसको अच्छे से मैनेजमेंट किया सके. ठीक है, कंपोस्ट हम करके उसको उसको हम बना सके. ठीक है, अपने वेस्ट जो मटेरियल होते हैं, जो घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, उसको अच्छे से हम उसको संजो कर रख सकते हैं, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है, इम्प्रूव्ड लैंड यूजेस थ्रू सस्टेनेबल फार्मिंग एंड फॉरेस्टिंग, कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना. ठीक है, और ठीक है, यूरिया का यूज करना, उससे क्या होगा, हमारा लैंड जो है, हमारा जो सॉइल है वो बचा रहेगा. तो इस तरह के चीजों को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं. ठीक है, अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी ग्रीन ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या, ग्रीन का मतलब हमारा इन्वायरमेंट. ठीक है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हम उसको कंजर्व करें, कैसे उसको बचाएं. ठीक है, इस तरह की चीजों को हम हमको किसमें पढ़ना होता है, ग्रीन इकोनॉमी में पढ़ना होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा. देखिए यहाँ पे दो पार्ट हैं अपने एनवायरनमेंट के पोल्यूशन के, एक जिसमें आपको देख रहे हो कि पोल्यूटेड है ट्री का स्ट्रक्चर, दूसरे में
अनपोल्यूटेड, मतलब जहां पे पोल्यूशन नहीं है वो है, तो कैसे हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को अनपोल्यूटेड यानी कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं, ठीक है, ये बातें हमको ध्यान में रखनी है ग्रीन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से, सबसे पहले हमारा एयर पोल्यूशन है, वो कैसे होता है, जैसे कि हम लोग क्या फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे एनवायरमेंट पे जाता है, तो हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। गाड़ी यानी कि हमारे कार से, व्हीकल से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो भी हमारा धुआं निकलते हैं वो भी हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है, उससे भी हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, दूषित होता है, ठीक है, या पोल्यूटेड होता है। वाटर पोल्यूशन, ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री से हो, ठीक है, जो हम नदी में बहाते हैं वो भी, उससे भी हमारा क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन, जैसे कि हम कचरा कहीं पर भी फेंकते हैं, दूसरी चीज हम खेती में जो भी पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है, उससे भी हमारा कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने प्लास्टिक का यूज अगर हम कर रहे हैं और प्लास्टिक को भेजें तो वो हमारा डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक है, वेस्ट नहीं होता है, उसको हम रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक हमारा क्या करता है, जो सॉइल को पॉल्यूटेड कर देता है। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है, आज के डेट में देखता आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडियम है जिसके थ्रू हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है ना। अब नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो पीपल अफेक्ट एनवायरनमेंट, पीपल यानी कि लोग कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे ईंधन की बात की जा रही है, फ्यूल्स की बात की जा रही है, हमारे पास एक सीमित फ्यूल है, ठीक है, रिजर्व्ड फ्यूल हमारे पास है, और रिजर्व्ड फ्यूल को हमें अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसका हम कैसे ध्यान रखें, इससे भी हमारा क्या, हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। क्रिएटिंग अर्बन एरियाज, अब क्रिएटिंग अर्बन एरिया का मतलब क्या, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमें रहने के लिए घर चाहिए होगा, अब रहने के लिए घर तो हम हवा में तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए हमें लैंड चाहिए, और लैंड में अगर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं या जंगल ही लगे हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट को हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्ट करते चले जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, उस और पेड़ लगा नहीं रहे, पेड़ को लेकिन काट रहे हैं, तो इससे भी हमारा क्या, एनवायरनमेंट को हम अफेक्ट कर रहे हैं। कटिंग फॉरेस्ट एंड वुड्स, ज्यादा से ज्यादा हम वुड्स का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आज के डेट में आप देख लो पेपर के लिए हमको क्या चाहिए, लकड़ियों से हमारा पेपर बनता है, अगर हमें कम से कम पेपर का यूज करें तो हम क्या, कम से कम लकड़ियों का यूज होगा और कम से कम फॉरेस्ट हमारे क्या होंगे, काटे जाएंगे, ठीक है। फ्लशिंग वेस्ट इनटू रिवर्स, यस, हम क्या करते हैं, फ्लश करते हैं, डंप करते हैं वेस्ट जो होता है, चाहे वो सीवेज का वाटर हो, चाहे सीवेज का पानी हो, चाहे फैक्ट्री का पानी हो, गंदा पानी हो, वो हम कहाँ पे डालते हैं, रिवर में डालते हैं, तो उससे भी हमारे कहीं ना कहीं नदियां बहुत अफेक्ट होती हैं, और वो भी क्या होता है, हम एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। अब एनवायरमेंट अफेक्ट पीपल, अब इसके वजह से हमने एनवायरमेंट को अफेक्ट किया तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी तो हमसे पूरा का पूरा अफेक्ट करेगा, हमको पूरा अफेक्ट करेगा, जैसे कि आज की डेट में देख रहे हो बहुत सारे वायरसेस आ गए, बैक्टीरियाज आ गए हैं, जो कि ह्यूमन बींग को क्या करते हैं, हार्म कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, अच्छा यहाँ आज की डेट में क्या, इतना हमने यूरिया, इतना हमने पेस्टिसाइड का यूज कर लिया कि हमारे जो प्लांट है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते, हम हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं फॉर फार्मिंग के लिए, तो वो भी देखिए आज कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट किया है। वाटर अवेलेबिलिटी, अब देखिए वाटर अवेलेबिलिटी, हमने पानी को गंदा कर दिया है, नदियों को गंदा कर दिया, तो हमारे पास सीमित मात्रा में ही सिर्फ खाली पानी बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं हमें देखना होगा, इससे भी हम प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस, यस, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा हो जा रही है, जिससे क्या होता है, हमारे ओजोन लेयर और थिन हो गई, जिससे क्या होता है, जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है और अनसर्टेनिटी हमारे वेदर हो जाता है। शेल्टर, लोगों पर रहने की जगह नहीं है, ठीक है। अब ये सब चीजें हमने कहां से देखी, हमने कहां से पाई, हमारे एनवायरमेंट से, यानी कि अगर हमने एनवायरमेंट को गंदा किया, हमने एनवायरमेंट को पॉल्यूट किया, तो एनवायरमेंट भी हमें क्या करता है, उसी का एक बैक थ्रो यानी थ्रो बैक करता है हमें भी, ठीक है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है, जैसा आपको पता है, ठीक, उस तरह अगर हमने एनवायरमेंट को गंदा किया, एनवायरमेंट को पोल्यूट किया, तो हम भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं। नाउ अब नेक्स्ट हम जो बात करनी है बेटा, वो है ग्रीन स्किल्स की। अब ये ग्रीन स्किल्स के बारे में क्या बताएं, ठीक है, जैसे कि द नीड ऑफ कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, सिंपल का मतलब है वो स्किल जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, बचा सकें। हाँ, हम कम से कम
ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे हम अपने ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ा सकें। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब एनवायरनमेंट को रहने लायक बनाएं, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में भी हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस एनवायरनमेंट से किसी प्रकार से अफेक्ट ना हो, ठीक है। नाउ अब ग्रीन स्किल का मतलब क्या था, ग्रीन स्किल यूज्ड फॉर प्रॉम्प्टिंग ग्रीन इकोनॉमी आर एज नोन एज ग्रीन स्किल, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन स्किल बोलते हैं, ठीक है। दीज स्किल आर नीडेड इन एरिया सिमिलर टू रिन्यूएबल एनर्जी, हम एनर्जी मतलब हमारी क्या रिन्यूएबल हमारे रिसोर्सेज कौन से हो, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गई, इसको रिन्यूअल करते हैं कैसे, अगर हमारे एनवायरमेंट पे ज्यादा पोल्यूशन हो गया तो पोल्यूशन को कैसे हटाया जाए, ठीक है, पानी गंदा हो गया तो पानी को कैसे नया किया जाए, गंदा मतलब साफ किया जाए, इसको बोलते हैं रिन्यूअल। क्लाइमेट रिसाइलेंट क्लाइट्स, ठीक है, सिटीज, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के स्किल को हम लोग ग्रीन स्किल बोलते हैं, ठीक है। कैसे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम चीजों को नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व करें, कंजर्व करें, और इसी स्किल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन स्किल बोलते हैं। द ग्रीन स्किल एग्रीमेंट डिफाइंस स्किल फॉर सस्टेनेबिलिटी एज स्किल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी आगे यानी आने वाले समय तक भी हमारा जो एनवायरमेंट वो सुरक्षित हो। ऑल्सो नोन एज ग्रीन स्किल आर द टेक्निकल स्किल नॉलेज value and attitude needed to the workforce for development and support sustainable social economic environment outcomes in business, इसका मतलब क्या, हम अपने समाज को, अपने कल्चर को, अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित रख सकें और कैसे उसको डेवलप करें, ऐसा डेवलप करें कि उससे हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो, अगर हो तो कम से कम हो हम, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज इन विच ग्रीन स्किल कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज फॉलो, पहला क्या है, reusing renewable energy, example using solar power and wind energy, yes आज की डेट में हम wind energy और solar power का use करते हैं for making और producing electricity, ठीक है, उसका भी हम use कर सकते हैं, जैसे कि आप तो solar panel लगा सकते हैं अपने घरों में छतों पर, जिससे कि आप कम से कम बिजली का use करना पड़ेगा, ठीक है। water and waste management, यानी कि water management का मतलब sewage water treatment plant लगा सकते हैं ताकि हमारा जो waste पानी उसको हम उसको पीने लायक या फिर उसको और किसी चीज में यूज कर सकें, ठीक है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर जो हमारे पास आता है वर्षा ऋतु में, जो हमारे पास पानी जो हमारे पास आता है, ठीक है, बादलों से, उसका उस पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। कंजर्विंग एनर्जी, एनर्जी को सेव करना, रिजर्व करना, रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के इसी स्किल को क्या बोला जाता है बेटा, ग्रीन स्किल बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की, सेम वही जो ग्रीन स्किल का मतलब क्या, ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या, हम अपना डेवलपमेंट किस तरह से करें, ठीक है, हम अपना समाज का डेवलपमेंट, हम अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट, कंट्री का, देश का डेवलपमेंट किस तरह से करें कि हमारे इकोनॉमी के साथ साथ हमारी ग्रीनरी भी बची हो और डेवलप हो, ठीक है। डेवलप का मतलब क्या हो, ठीक है, एनवायरमेंट अच्छा बना रहे, ठीक है। तो ग्रीन इकोनॉमी का जो टर्म है वो आया था 1989 में, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बाय द ग्रुप ऑफ लीडिंग एनवायरमेंट इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नाउ तो सर्टेन वे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अब देखिए क्या है, किस तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, बिल्डिंग फॉरेस्ट्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज ऐसा बनाए ताकि वहां पे ग्रीनरी का ज्यादा यूज हो, ठीक है, मीन्स हम वहां पे प्लांट वगैरह ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम वेस्ट का, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट ट्रीटमेंट का हमको मैकेनिज्म आना चाहिए जिससे हम वेस्ट नदियों में ना बहाकर उसका हम रिसाइकिल कर सकें। यूजिंग केमिकल फॉर मोर क्रॉप्स नहीं करना, अवॉइड करना चाहिए, हार्म द एनवायरनमेंट, सम ऑफ द वेज ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट सच एज नॉट यूजिंग, ठीक है, फॉस्फेटाइज विल हार्म द इकोनॉमी इन द फार्मर्स, ठीक है। इस तरह से चीजों को हम देख सकते हैं, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब कैसे हम बिजनेस को, कैसे हम प्रोडक्शन को ऐसा बनाएं, ठीक है, कि हमारे सोसाइटी में या हमारे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का क्या ना हो, हार्म ना हो, ठीक है, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है, और हमारा एनवायरनमेंट भी क्या अच्छा बना रहे, एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड ना हो, इस तरह से हम डेवलपमेंट अपना करें, ठीक है, इंडस्ट्री लगाएं या फिर कुछ प्रोडक्शन करें, इस तरह से फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन हो, कि हमारा जो एनवायरनमेंट वो पॉल्यूटेड ना हो या कम से कम हो। नेक्स्ट हमारा, अब एम्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, क्या एम हमारी होनी चाहिए, अगर आपको ग्रीन इकोनॉमी बनानी है तो लो कार्बन ग्रोथ, इसका मतलब क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस निकलती, ग्रीन हाउस जो निकलती हमारी, वो कम से कम निकले,
ठीक है, उसका हमें इंतजाम करना पड़ेगा। रिसोर्स एफिशिएंसी, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कंजर्व रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इफिशियंट, इफिशियंसी का मतलब क्या, उसको इफिशियंटली इसको यूज करें, ठीक है, वेस्ट ना जाने दें। सोशल इंक्लूजन का मतलब, सोशल का मतलब लोगों को भी इस चीजों को अलर्ट डालनी होगी, उनको बताना होगा, उनको करना भी होगा कि कैसे हम अपने वातावरण को, अपने अपने एनवायरमेंट को कैसे हम बचा के रखें, ठीक है। जैसे पेड़ लगा सकते हैं, और जो जो हमारे घर से निकलने वाला जो कचरा है उसको हम कंपोस्ट करके, उसका खाद बनाकर अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, जब जरूरत हो तभी लाइट का यूज करें, अदरवाइज लाइट का यूज ना करें, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है सोशल में, यानी कि सोसाइटी में जानी चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए, ताकि वो ग्रीन ग्रीनरी एनवायरमेंट क्रिएट करने में अपना योगदान दे सके। नाउ ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, कैसे बाहर के लोग यानी कि दुनिया में कैसे लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन इन प्रिवेंटिंग मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड रिजल्टिंग इन रेजेस ऑफ सी लेवल, यानी कि क्या, कैसे प्रिवेंट किया जा रहा है ग्लेशियर को पिघलने से, क्या ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो कैसे उसको प्रिवेंट करें, कैसे रोका जाए ताकि हमारा सी लेवल है वो बना रहे, वो बढ़े ना। अगर सी लेवल जो होगा वो अगर बढ़ेगा तो हमारे पास जो लैंड है वो क्या कम हो जाएगा, और जब लैंड कम होगा तो हमारे पास रहने की जगह कम हो जाएगी, जब रहने की जगह कम हो जाएगी तो क्या होगा, अनसर्टेन कुछ भी हमारा इंसिडेंट हो सकता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग को अगर बचाना है, इसका मतलब जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर अगर उसको बढ़ने से कम करना है, तो हमें क्या, ग्रीन स्किल यानी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लाइट फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्ट्रिफिकेशन। नाउ इम्प्रूवमेंट इन एयर वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, अपने एयर को, वाटर को और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने बताया कि अगर एयर को पोल्यूट होने से बचाना है तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को कम निकालना पड़ेगा फैक्ट्री से, या फिर वाटर को सेव करना है तो वाटर को गंदा नहीं करना है, वाटर हमारा जो भी हमारे पास सीमित वाटर जो हमारे पास है उसको भी संचय करके रखना है। रिडक्शन इन डिजीज एंड डेथ ऑफ लिविंग बींग्स। अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, कि भाई अगर हमने सब चीजों को मैनेज किया तो सीधी सी बात है हम रिड्यूस कर पाएंगे जो हमारे डेथ से। नाउ ग्रीन इकोनॉमी इन इंडिया, अब इंडिया में कैसे ये ग्रीन इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रहा है। इंडिया हैज लेड एग्जांपल ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। इंडिया एम टू एड्रेस द फॉलोइंग थ्री इश्यूज थ्रू ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स। पहला क्या, इशू ऑफ एनर्जी स्कैरसिटी, स्कैरसिटी माने कमी, यानी कि एनर्जी की जो हमारे पास कमी है उस कमी को देखते हुए हम कम से कम, ठीक है, हम लोगों को जागरूक करें कि आपको क्या करना है, कम से कम बिजली का यूज करना है। इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन ना हो इसकी वजह से बहुत सारे कड़े कदम उठाए गए, जैसे कि प्लास्टिक का यूज नहीं करके, ठीक है, ऐसा हम पॉलिथीन यूज करें या ऐसा हम कैरी बैग यूज करें जो कि हमारा क्या सिंपली रिसाइकल हो जाए। इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अगर कोई किसी पर्सन के पास पीएचडी डिग्री है और फिर भी वो शॉपिंग मॉल में वर्क कर रहा है, तो उसको उसके काबिलियत के हिसाब से, उसको उसके डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिली है, तो उसको बोलेंगे, इस तरह की चीजों को बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है ग्रीन जॉब की, ठीक है। अब अभी तक हमने ग्रीन इकोनॉमी की बात करी कि हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ठीक है, हमने क्या क्या फेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि हम किस तरह के अपने जो जॉब्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर के अंदर हम कैसे ग्रीन स्किल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ग्रीन जॉब इज एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग ऑफ रिस्टोरिंग एनवायरमेंट क्वालिटी इन सेक्टर दैट अलाउविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरह से अपने एनवायरमेंट को हम कंजर्व करें, एनवायरमेंट को रिस्टोर करें, प्रिजर्व करें, ठीक है, हमारे बाकी सारे इंडस्ट्रीज में भी। इट इंक्लूड जॉब दैट हेल्प प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड बायो डाइवर्सिटी, ठीक है। ग्रीन जॉब और क्या हेल्प करता है हमें, तो प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और बायो डाइवर्सिटी को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। मटेरियल दैट एंड वाटर कंजप्शन थ्रू हाई इफिशियंसी स्ट्रेटेजी। ग्रीन जॉब्स कैन बी एनी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, हर जगह ग्रीन जॉब की जरूरत होती है और है भी, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको
इग्नोर नहीं करना है हमारे एनवायरनमेंट को, हमको अपने एनवायरनमेंट को लेकर चलना है अपने डेवलपमेंट के साथ। अगर हम अपना डेवलपमेंट करेंगे और एनवायरनमेंट को निग्लेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पतन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब ग्रीन जॉब में कौन कौन सी जॉब हमारे पास है, तो किस सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर में, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, रिसर्च मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इस तरह के एरियाज हैं। और उसमें किस तरह की जॉब हम कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोफेशनल्स होते हैं एंड टेक्निकल, सोलर पंप टेक्निकल, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, इस तरह की जॉब रोल्स हैं बेटा। ये जो जॉब रोल है इनकी जरूरत होती है हमें अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह की जॉब रोल के प्रोफाइल के लोगों की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन में, प्लानिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंट हाईली अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट। अब इसके लिए जो बिल्डर्स की होते हैं वो ग्रीन बिल्डर, यानी कि वो ध्यान रखते हैं कि किस तरह से हमारे बिल्डिंग में ग्रीनरी का मतलब पौधों का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, अपने हम कैसे हम एक गार्डन बना सकते हैं उस बिल्डिंग के चारों तरफ या उस बिल्डिंग के आसपास, ताकि उसके अंदर ग्रीनरी दिखे, ठीक है, ग्रीन डिजाइन, प्रोफेशनल ग्रीन वर्कर्स, ठीक है। एनर्जी, अब एनर्जी के क्षेत्र में यानी कि एनर्जी के सेक्टर में सोलर सेल टेक्नीशियन एंड इंजीनियर, वाइट विंड एनर्जी प्रोफेशनल, विंड एनर्जी वर्कर, बायोफ्यूल, ठीक है, बायोफ्यूल प्रोफेशनल एंड वेव एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, तो ये सारे हमारे क्या टेक्निकल और जो हमारे ग्रीन स्किल प्रोफेशनल्स हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर में, ताकि हम अपने डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट के डेवलपमेंट में भी योगदान दें। उसके बाद क्या, फॉरेस्ट्री में भी हमारे पास नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में रिसाइकलर्स होते हैं, रिटेलर में ग्रीन सेल्स पर्सन, अकाउंटेंट, कैशियर, सेल्स एसोसिएट, इसका मतलब वो कम से कम पेपर पेन का यूज करें, ज्यादा ज्यादा क्या वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्ट में भी क्लीन एंड इंजीनियरिंग का मतलब क्या, ऐसा जैसे सीएनजी का यूज ज्यादा हम करें कार में, या फिर मोटरसाइकिल या फिर हमारे मोटरसाइकिल के अंदर, उसके साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पर भी हम कम से कम ईंधन का मतलब पेट्रोल डीजल का यूज ना करके सीएनजी का यूज करें, या फिर हमारे बायोकेमिकल जो है उसका यूज करें, बायोकेमिकल यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से चीजें बेटा हमको ध्यान में रखना होगा। सिंपल से पूरे के पूरे स्लाइड का एक सिंपल सा एक समरी ये है कि ग्रीन इकोनॉमी का मतलब बेटा क्या होगा, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट, एक कंट्री का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ हो, यानी कि कंट्री का कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ उस कंट्री के एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट, यानी कि उस एनवायरनमेंट को संजो के रखना, संभाल के रखना, पॉल्यूटेड नहीं होने देना, ठीक है, कम से कम पॉल्यूशन करना, ये बातों को ध्यान में रख के किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किया जाना ही ग्रीन स्किल और ग्रीन इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। तो ये बातें थी जो बेटा मैंने आपको ग्रीन इकोनॉमी में बताई। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन स्किल, ग्रीन इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंट, ओके, और ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट पोल्यूशन, ओके, एंड द कॉजेस, राइट, ऑन द कॉजेस and what are the planning to conserve and preserve the natural resources, okay beta, so I hope you understand concept, so thank you very much for watching it, keep sharing, keep learning and keep watching, thank you beta।